आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे का एक और हेल्दी स्नैक्स लेकर आई हूं जिसे मैंने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है ये एयर फ्राइड है आपके घर के इंग्रेडिएंट से बनेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से तो एक बार इस रेसिपी को घर पे ट्राई करके ज़रूर देखिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पल्लवी और आज एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आपका स्वागत करती हूँ तो आइए चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई इंग्रेडिएंट या स्टेप मिस ना हो तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया है एक इंच अदरक ग्रेट कर लेंगे हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए जितना स्पाइसी आपको पसंद है और साथ में थोड़ी सी धनिया की पत्ती लेंगे चार बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं मैंने जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है इसके बाद एक कढ़ाई प्री हीट करेंगे इसमें ऑयल ऐड करें करीब दो चम्मच तेल जब गर्म हो जाए इसमें मैं एक चम्मच जीरा और दो चम्मच धनिया मैंने क्रश कर लिया है इसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे साथ में अदरक ऐड कर देंगे और एक बार इसे सॉटे कर लें बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है बस इतना कि अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन खत्म हो जाए दो मिनट भुनने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक कि यह हल्का सा गोल्डन होना ना शुरू हो जाए स्टार्टिंग में नमक अभी नहीं डालेंगे जब प्याज थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे आप प्याज थोड़ा भून चुका है तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें मैंने यहाँ करीब दो चम्मच नमक ऐड किया है जब मसाले डालें इस समय फ्लेम को लो कर दें तो इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसके बाद धनिया पाउडर ऐड करेंगे तो करीब एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच कोई भी रेडीमेड मसाला आप ऐड कर सकते हैं मैंने यहाँ किचन किंग मसाला ऐड किया है आप चाहें तो सब्जी मसाला गरम मसाला या फिर मैगी मसाला ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो दो मिनट भुनने के बाद इसमें आलू डाल देंगे मैंने आलू ग्रेड इसलिए किया है ताकि कहीं भी लम्पस ना रहें और स्टफिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार ही मसाला रेडी होता है आप चाहें तो इसमें चाट मसाला ये सब भी ऐड कर सकते हैं और इस स्टफिंग से आप चाहें तो सैंडविच या फिर आलू पराठा भी बना सकते हैं तो इसलिए मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाया है अगर आपको कम बनाना है तो मसाले की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम कर लें अब इन सबको मसाले को अच्छे से भून लें अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें इसके बाद हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा आटा बचा था सुबह के नाश्ते में जो मैंने बनाया था तो इसी आटे में मैं बना के दिखा रही हूँ आपको तो एक चम्मच इसमें ससमी सीड्स ऐड करेंगे साथ में चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और थोड़ी सी मैंने करीब एक चम्मच अजवाइन और मंगरेल ली है अब इन सबको आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें बस ध्यान रहे कि स्टफिंग में भी हमने नमक ऐड किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप नमक ऐड करें तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है इसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से लगा लेंगे तो इसके बाद इसके पीसेस इस तरह से आप इक्वल में कट कर लें इसके बाद मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ इसे इस तरह से रोटी के शेप में बेल लेंगे सूखा आटा इस तरह से लगा लें ताकि वो स्टिकी ना हो बिल्कुल भी और इस तरह से रोटी की तरह आप इसे बेल लें आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए तो देखिए मैंने रोटी की जैसे इसे बेल ली है पतली सी अब इसमें कट लगाएंगे तो इस तरह से पिज़्ज़ा के शेप में इसे फोर पीसेज में कट करें और फिर एक बार और साइड से कट कर देंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसके बाद कोई भी छोटा सा कैप या छोटी सी कटोरी हो उसे इस तरह से कवर कर देंगे कवर्ड पोर्शन में हमें स्टफिंग नहीं करनी है तो अब स्टफिंग ठंडी हो चुकी है इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें ठंडा होने के बाद धनिया की पत्ती ऐड करेंगे तो जो धनिया की पत्ती का कलर है वो बिल्कुल भी ग्रीन रहेगा और चेंज नहीं होगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें ये मज़ेदार सी रेसिपी ताकि वो भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करके ज़रूर देखें इसके बाद स्टफिंग को इस तरह से चारों एरिया में लगा देंगे बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना है कि रोल करने में आपको प्रॉब्लम आए तो इस तरह से चारों तरफ मैंने लगा दिया है और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है आपके घर के बचे हुए से आप इसे बना सकते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है ताकि बैचलर्स हो या बिगनेस वो भी इसे ईजिली बना सकें इसके बाद सेंटर से कटोरी हटा देंगे और थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से पोर्शन में लगा दें ताकि जब आप इसे रोल करें तो वह ईजिली स्टिक हो जाए तो देखिए इस तरह से हमें बस रोल कर देना है आप चाहें तो इसे मैदे में भी बना सकते हैं उसमें बहुत अच्छा बनता है बट मैं यहाँ हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैंने गेहूँ के आटे में आपको बना के दिखाया है आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में लेकिन मैं यहाँ एयर फ्राई का इस्तेमाल कर रही हूँ एयर फ्राई को प्री हीट कर लेंगे और इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ग्रिल पे ताकि जब भी आप रोल कर डालें तो वो बिल्कुल भी स्टिक ना करें तो इस तरह से जितने रोल्स आपने बनाए हैं उसमें डाल देंगे दस मिनट के लिए इसे वन एटी डिग्री पर पकाएँगे तो ये देख सकते हैं कितना मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बन के रेडी हुआ है बिल्कुल भी ऑयल से मैंने फ्राई नहीं किया है तो बस ये मज़ेदार हेल्दी स्नैक्स बन के रेडी है जब कभी गेस्ट आए या फिर जब कभी आपका खुद का मन करे तो आप इसे बना के खा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये बन भी जाता है तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ये देखिए कितना अटैप्टिंग सा दिख रहा है आप इसे चटनी केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं चाहे तो बच्चों को भी लंच में आप इसे दे सकते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें थैंक्स फॉर वॉचिंग